खातेगांव देवास जिले के अंतिम छोर पर खातेगांव नगर में कोरोना संक्रमण महामारी के दौर में लगातार आमजनों को विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के माध्यम से शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों वितरण करके क्षेत्र के पर्यावरण प्रेमी रवि शर्मा, जिन्हें हम कोरोना योद्धा के नाम से भी सम्मानित करें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इन दिनों कोरोना संक्रमण से जो लोग आमजन को सुरक्षित रख रहे हैं उन्हें शासन प्रशासन कोरोना योद्धा की उपलब्धि प्रदान कर रहा है। हर व्यक्ति को कोरोना से लड़ने के लिए प्रतिदिन गिलोय अमृता गुडवेल का निःशुल्क वितरण करने वाले ऐसे ही पर्यावरण प्रेमी रवि शर्मा, जो अनेक असाध्य रोगों में से शरीर की यूनिटी बढ़ाने के लिए गिलोय का वितरण कर रहे हैं, वहीं वाचिका की अन्य वनस्पति में पत्थर चिट्ठी को, जो कि व्यक्ति के शरीर के अंदर पथरी नामक बीमारी का अंत करती है, क्षमता बढ़ती है। और जो महामारी चल रही है इस समय कोरोना, उसमें बहुत फायदेमंद है, और भी दूसरी बीमारियों में फायदेमंद है। दूसरी चीज़ ये मतलब कि पत्थर चिट्ठी है, पत्थर चिट्ठी जो है मतलब कि पथरी को गला देती है गुर्दे की, तो ये रवि वाटिका में मिलती है यहाँ पर, तो इससे भी बहुत लोगों को फायदा हुआ, मेरे को खुद को भी इससे हुआ है। तीसरी चीज़ ये नागदून का पेड़ है, यहाँ पर बहुत सारे लगे हैं, जिस भाई को भी लेना है यहाँ आकर बलि ले ले, फ्री में बांट रहे हैं ये खाने के लिए। इससे मतलब कि मस्से कैसे भी हों शरीर में अंदर बवासीर वो खत्म होते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है भाई साहब। ये कहाँ से उपलब्ध हुई आपको? ये रवि वाटिका से, रवि शर्मा जी के यहाँ से लिए, ये सामने वाटिका लगी है, रवि जी यही कार्य कर रहे हैं मतलब औषधि बांटने का। ये देखो उधर लोग उन ले जा रहे हैं, मतलब जैसे ये ले जा रहे हैं भैया ऐसे। साथ जुड़े हैं पर्यावरण प्रेमी रवि शर्मा जी। रवि शर्मा जी, लगातार कोरोना संक्रमण काल में ये वाटिका से बहुत सारे लोग तरह तरह की दवाइयाँ, पत्ते और अन्य जो है, तो थोड़ा सा जानकारी दीजिए आज की, क्या क्या स्वास्थ्य लाभ के लिए आवश्यक है यहाँ वाटिका में जो वनस्पतियाँ? वाटिका में सबसे पहले हमने अमृत बेल, गुड़ बेल, सभी प्रकार की बीमारियों में सटीक इलाज। ये क्या गिलोई है क्या? इसको गिलोई बोलते हैं? गिलोई भी बोलते हैं, अमृता बोलते हैं, हिंदी में गुड़बेल बोलते हैं। इस प्रकार जिस बीमारी का कोई इलाज नहीं हो उस बीमारी का इलाज है गुड़बेल। इसका काढ़ा बनाकर इसको चबा चबा कर खाने से सभी प्रकार के रोग नष्ट करती है। यह है गिलोय गुड़बेल, हमारे यहाँ से इसको लगातार कोरोना वायरस में सभी तहसीलदार अधिकारी कर्मचारी, यहाँ तक कि विधायक जी के द्वारा मुख्यमंत्री जी के तक भी इस चीज़ को पहुँचाया गया है, पूरे मंत्रिमंडल में इसका उपयोग हो रहा है, हमारे विधायक जी भी लगातार इसका उपयोग कर रहे हैं, क्षेत्र की जनता जो जिनको आवश्यकता लग रही है वो सब ले जा रहा है, और हमारा पूरा ग्रुप सुबह इसे चबा चबा कर खाता है, जिन्हें किसी प्रकार की कोई बीमारी होने की संभावना है भी नहीं। और ये और अन्य पत्तियाँ किस प्रकार की वनस्पति है? पत्थर चट्टी है, पत्थर चट्टी जो पत्थर को चाट जाए, पेट के अंदर भी अगर पत्थर है तो उसको चाट छोटा रूप कर देती है बड़े को, वो उसके द्वारा फिर बाथरूम के द्वारा बाहर निकल जाता है, लगातार खाना पड़ता है, उसको उपयोग करना पड़ता है। ऐसे ही नागदौन है, नागदौन जो कैसे भी बवासीर, खूनी बवासीर, फीसर वगैरह जिस प्रकार की भी बीमारी है उसका नाश कर देती है, लगातार उपयोग करना पड़ता है। वनस्पति एक शास्त्र, ऐसा शास्त्र है जिसका उपयोग लगातार करने वाले व्यक्ति को कभी किसी प्रकार की कोई बीमारी आएगी नहीं, लेकिन शर्त है उसका उपयोग होना चाहिए। शीशम के पत्ते, जाम के पत्ते, जाम के पत्ते खाने वाले को मुंह संबंधित बीमारी 36 प्रकार के रोग यह ख़त्म करता है। शीशम का उपयोग करने वाले को भी कभी किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं आएगी। ऐसी उसकी पौधे लगाए रखे, जनता को जितनी सेवा बन सके उतनी कर रहे हैं, जो आ रहे हैं उनको लाभ दे रहे हैं।